हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से इस वाले यूट्यूब चैनल पर अपना टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अब मैं संडे संडे इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको संडे को एक वीडियो देखने को मिलेगी। और आज वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं जो अपना टेक्निकल वीडियो है दीपक लोहार टेक वाले चैनल पर, कैसे वीडियो को शूट करता हूँ और कैसे एडिट करता हूँ और क्या क्या मतलब स्टफ़ यूज़ करता हूँ। हालांकि मेरा अभी जो सेटअप है बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक सा मैंने बना रखा है, कुछ CFL से लगा रखे हैं और ट्राईपोड है, वो सब है। तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे करता हूँ और एडिट कैसे करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके। दोस्तों, फिर पहले अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ तो मैंने लाइटिंग तीन तरफ से चार तरफ से लगा रखी है, मतलब जितने भी मेरे पास होल्डर थे और जितने भी जगह थी मैंने सब जगह लाइट लगा दी है। तो अभी आप देख रहे हैं तो मैंने एक लाइट यहाँ पे लगा रखी है, और हालांकि ये रिंग लाइट, इसमें कुछ ज़्यादा लाइटिंग ब्राइटिंग वगैरह नहीं है। तो मैंने ये 10 वाट के तीन CFL लगा रखे हैं, बल्ब बोल सकते हैं इसको, और एक ये स्टैंड पर है, ट्राईपॉड है मेरे पास, ये मैंने इसको OLX से बाई किया था। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 10 वॉट का एक रॉड, लंबी रॉड है, उसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद मैं ये एक पीछे वाली लाइट है, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये पीछे से रिफ्लेक्शन ज़्यादा देती है तो कैमरे पे दिक्कत होती है। हालांकि मेरे पास कैमरा है नहीं, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, मेरे पास Vivo V3 का मोबाइल है, उसके फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से दोनों शूट करता हूँ। और दूसरी लाइट के बारे में बात करें तो एक लाइट यहाँ पे है जो शायद 15 वॉट का बल्ब है। इसमें ये एक्चुअल में था रिंग, वो डोरबेल था, डोरबेल की जगह मैंने यहाँ पे होल्डर लगा के एक बल्ब लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ लाइट बना के यूज़ करता हूँ। और सबसे हम बैकग्राउंड की बात करें तो अब आते हैं हम अपने ग्रीन स्क्रीन पर। ये मैंने ग्रीन स्क्रीन अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाई करी थी, ये मुझे अप्रॉक्स पता नहीं प्राइस कितना था, वो मैंने बाई किया था। ये 12x8 का है, बहुत ही बड़ा है। तो इसका यूज इसलिए होता है, आप इसके यूज़ करके कहीं से भी पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और मैंने वीडियो भी बनाई थी कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें वीडियो का, तो आप इसको देख सकते हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ। और उसके बाद ये मैंने की लगा कि यहाँ पे जैसे पर्दा लगाते हैं ना, उस तरह से लगा रखा है। और हम मैं बात करूँ जिससे जहाँ मैं अपना मोबाइल लगता हूँ शूट करने के लिए, तो ये मेरा ट्राईपॉड है, ये वाला, ये मैं यहाँ पर मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ, जिसमें लगा के इसको ये ऊपर नीचे वाला करने वाला भी है, इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, हालांकि मैंने एक फ़ोन से कैमरा पकड़ रखा है और दूसरे से ऊपर नीचे करूँगा तो उतना प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। इसमें मैं मोबाइल शूट लगाता हूँ और यहाँ से शूट करता हूँ। और उसके बाद आते हैं, ये तो था लाइटिंग और स्टैंड का। उसके बाद मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है और एक लिनोवो का, जो छोटा भाई अभी यूज़ करता है, इस पर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैं फिल्मोरा का, वंडरशेयर फिल्मोरा का वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ, और इसी में मैं अपने वीडियो एडिट करता हूँ। अभी ये खुला हुआ है सिस्टम पे। और ये के ट्राईपॉड मैंने लिया था ब्लॉगिंग के लिए, अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन मैं जल्दी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये काफ़ी यूज होने वाला है। तो इस तरह से मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। और ये कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरी भतीजी ने इसको बना के लगा रखा है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो ये वीडियो के बैकग्राउंड के लिए मैंने बनवाया था, अभी जब से बनवाया उसके बाद से मैं वीडियो को यूज ही बनाई नहीं, तो इसका यूज़ नहीं हुआ, तो आज देख लें, बहुत अच्छा है। और कमेंट में बताएं कि कैसा बनाएं, और इसका क्रेडिट उसको जाता है, उसका नाम रोशनी है। और इस तरह से मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो हालाँकि आप लोग देख सकते हैं, शूट करने के लिए मेरे पास यही सारी चीज़ें थी जिससे मैं शूट करता हूँ, इस तरह से कुछ था। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे वीडियो को शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। तो अगर आप भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इतनी सारी लाइटिंग वगैरह लगा रखी है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप डे लाइट में ही वीडियो बनाएं और उसको फ़ोन से एडिट कर सकते हैं। और फ़ोन में एडिट करने के लिए आप काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं कैसे काइन मास्टर को यूज़ करते हैं। तो आप बस स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये सब लाइटें मैंने और ट्राईपॉड इकट्ठा ही नहीं खरीदा था, एक एक करके खरीदा था, और ऐसे वीडियो शूट करता हूँ। और गाइस, मैं इस यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल वीडियो लाते रहता हूँ, और अभी संडे संडे वीडियो अपलोड होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मन करे तो शेयर भी कर देना। धन्यवाद।